नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय कंबोज और आज हम बात करेंगे होंडा अमेज के बारे में। होंडा अमेज जो अवेलेबल है टोटल चार वेरिएंट्स में अवेलेबल है, ई, एस, वी एंड वी एक्स वेरिएंट। आज हम जिस वेरिएंट के बारे में बात करेंगे वो एस वेरिएंट है, जो सेकंड वेरिएंट है। इस वेरिएंट के लिए हमारे काफ़ी व्यूवर्स की डिमांड थी कि हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं इस वेरिएंट पे, तो आज हम आपके लिए इसी वेरिएंट के एक डिटेल्ड वीडियो लेके आए हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं होंडा अमेज, तो नीचे कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो नए बायर्स हैं जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपके इस एक्सपीरियंस से। और एक जो मेन काम आपको और करना है वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। नीचे दिए गए रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स के लिए। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको गाड़ी के कलर्स के बारे में बता देता हूँ। अमेज जो अवेलेबल है टोटल 5 कलर चॉइसिस में अवेलेबल है, रेडियंट रेड, लूनर सिल्वर, गोल्डन ब्राउन, ऑर्चिड वाइट और जो सबसे लास्ट जो कलर है वो आता है मॉडर्न स्टील कलर, जो ग्रे शेड में आपको मिलेगा। तो ये 5 कलर चॉइसेस आपके लिए अवेलेबल है। आइए बात करते हैं गाड़ी की। स्टार्ट करें फ्रंट से। फ्रंट में आपको होंडा की सिग्नेचर क्रोम ग्रिल मिलेगी जो काफ़ी वाइड है और ये सभी गाड़ियों में आपको मिलेगी होंडा की, जो गाड़ी की फ्रंट लुक्स को काफ़ी इम्प्रूव करता है। साथ ही ये जो क्रोम आपको मिलेगा ये कंटिन्यू रहेगा हेडलैम्प्स के ऊपर की तरफ भी। आपको अगर बात करें हेडलैम्प्स की, जो हेडलैम्प्स अवेलेबल रहेंगे वो आपको नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगे, प्रोजेक्टर का ऑप्शन आपको किसी भी वेरिएंट में अवेलेबल नहीं रहेगा। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है फॉग लैंप्स के लिए। फॉग लैंप्स इस वेरिएंट में आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे, लेकिन एज आ एसेसरीज आप इनको इंस्टॉल करा सकते हैं। जो बम्पर्स आपको मिलेगा वो ड्यूल टोन में बम्पर्स मिलेंगे आपको। ये जो पार्ट मिलेगा ये ब्लैक ग्रिल आपको यहाँ पर मिलेगी और जो ये फ्रंट बम्पर्स हैं यहाँ पर भी आपको ये प्रॉपर कर्व्स दी गई हैं, जो गाड़ी की फ्रंट लुक्स को काफ़ी इम्प्रूव करता है। अभी आप ये जो वेरिएंट देख रहे हैं ये एक एस वेरिएंट है, जो कस्टमाइज वेरिएंट है। इसके अंदर अभी एसेसरीज इंस्टॉल है 19,000 की, जिसके अंदर एक सीट कवर इंक्लूडेड है और एक रियर स्पॉइलर इंक्लूडेड है। वो आप हम आपको बैक का जब आपको दिखाएंगे तो वहाँ पर आपको वो शो करेंगे। तो आइए, ये था फ्रंट। आइए आप चलते हैं साइड प्रोफाइल में और बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। जो गाड़ी की साइड प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छी है और लेंथ जो है गाड़ी की वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। ये कॉम्पैक्ट एक सिडान गाड़ी आपको मिलेगी। जो टायर साइज आपको मिलेगा गाड़ी के अंदर वो 14 इंचेस टायर साइज मिलेगा विद फुल व्हील कवर। अगर आप अपर वेरिएंट्स पे जाते हैं तो आपको ये 15 इंचेस का टायर साइज मिलेगा और जो टायर्स का सेक्शन है वो 175 mm आपको मिलेगा, जो काफ़ी एक अच्छा टायर सेक्शन है। साथ ही अगर बात करूँ मैं गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की, अगर आप कंसीडर करते हैं पेट्रोल में, जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगी वो 172 mm मिलेगी। साथ ही अगर आप कंसीडर करते हैं डीजल में, जो ग्राउंड क्लियरेंस रहेगी वो रहेगी 170 mm। जो ORVMs आपको मिलेंगे, ORVMs आपको बॉडी कलर्ड ORVMs मिलेंगे और ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल रहेंगे और फोल्डेबल रहेंगे विद LED ब्लिंकर्स। आपको ये अवेलेबल हो जाते हैं S वेरिएंट से ही। साथ ही जो डोर हैंडल्स आपको मिलेंगे गाड़ी के अंदर वो आपको बॉडी कलर्ड मिलेंगे और ये ग्रैब हैंडल शेप में आपको मिलेंगे। बी पिलर पे आपको यहाँ पे ब्लैकआउट टेपिंग मिल जाती है, जो गाड़ी की साइड प्रोफाइल को प्रीमियम लुक देती है। तो ये था एक साइड प्रोफाइल होंडा अमेज S वेरिएंट का। आप चलते हैं रियर प्रोफाइल में और चेक करते हैं क्या क्या एलिमेंट्स आपको मिलेंगे रियर में। बात करें रियर प्रोफाइल की, जो रियर लुक्स है वो काफ़ी अच्छा है। फ्रंट में आपको क्रोम वर्क काफ़ी मिल रहा है, लेकिन रियर में आपको कोई भी क्रोम वर्क नहीं मिलेगा। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल टॉप से। टॉप पे आपको शार्क फिन एंटीना यहाँ पे माउंटेड मिलेगा। रियर शील्ड पे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा यहाँ पे डिफोगर का। डिफोगर का ऑप्शन आपको अपर वेरिएंट्स में अवेलेबल हो जाता है। जो मैंने आपको फ्रंट में बताया कि ये जो गाड़ी है कस्टमाइज है, यहाँ पे ट्रंक स्पॉइलर इंस्टॉल किया हुआ है कंपनी ने, जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। साथ ही अगर बात करें टेल लैंप्स की, जो टेल लैंप्स अवेलेबल हैं वो आपको नॉर्मल टेल लैंप्स मिलेंगी विदाउट LEDs, ये टेल लैंप्स अवेलेबल रहेंगी। पार्किंग सेंसर्स का आपको ऑप्शन ये स्टैंडर्ड मिलेगा, सभी वेरिएंट्स में आपको ये पार्किंग सेंसर्स स्टैंडर्ड रहेंगे। सेम आपको यहाँ पे भी कर्व्स मिलेंगी, जैसे फ्रंट बम्पर पे आपको कर्व्स मिल रही थी वो सेम कर्व्स आपको यहाँ पे भी अवेलेबल रहेगी। साथ ही अगर मैं बात करूँ गाड़ी के बूट स्पेस की, तो बूट एक्सेस करने के लिए फ्रंट में आपको ओपनर दिया गया है और आप इसको की के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं। जो बूट स्पेस है गाड़ी का वो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिलेगा, 420 लीटर्स का आपको मिलेगा, जो बेस्ट इन सेगमेंट है। स्पेयर व्हील जो अवेलेबल रहेगा वो आपको सेम 14 इंचेस का टायर साइज मिलेगा विद स्टील रिम। यहाँ पे आपको ये टूल किट मिल जाती है जो प्रॉपरली पैक्ड है इसके अंदर, और
ग्लोव बॉक्स और बूट के अंदर आपको यहाँ पे एल्यूमिनेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो हेल्प करेगा नाइट में लगेज कैरी करने के लिए। तो ये था रियर प्रोफाइल गाड़ी का। आप चलते हैं रियर सीट पे और चेक करते हैं रियर सीट कंफर्ट, और फिर चलते हैं ड्राइवर सीट पे। तो बात करें डोर ट्रिम्स की, जो आपको डोर ट्रिम्स मिलेंगे वो आपको ड्यूल टोन में मिलेगा। ये जो पार्ट मिलेगा आपको ये ब्लैक शेड में मिलेगा, और ये आपको बेज कलर में मिलेगा। यहाँ पे आपको पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है, और यहाँ पे आपको बोतल होल्डर के लिए स्पेस मिल जाता है। अब बात करते हैं स्पेस की। जैसे मैंने आपको फ्रंट में बताया था कि इस गाड़ी के अंदर आपको ये सीट्स अवेलेबल रहेंगी, ये एज एसेसरीज यहाँ पे इंस्टॉल की हुई है। जो स्पेस है गाड़ी का वो काफ़ी अच्छा है, लेग रूम काफ़ी अच्छा मिल रहा है, थाई स्पोर्ट प्रॉपर मिल रहा है। रियर में कोई भी एसी वेंट का ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं रहेगा किसी भी वेरिएंट में। सेंटर में आपको यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट अवेलेबल हो जाता है, जो रियर पैसेंजर्स के मोबाइल चार्जिंग के लिए हेल्प करेगा। साथ ही आपको सेंटर में आर्मरेस्ट मिल जाता है विद 2 कप होल्डर्स, और यहाँ पे जो नेकरेस्ट आपको मिलेंगे वो फिक्स्ड नेकरेस्ट मिलेंगे, एडजस्टेबल का ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा। तो ये था रियर सीट होंडा अमेज की। अब चलते हैं फ्रंट सीट पे। चलने से पहले मैं आपको की दिखा देता हूँ गाड़ी की। गाड़ी के अंदर आपको इस तरह की दो कीज़ मिलेंगी, सॉरी अभी ये कवर्ड है, इस तरह की आपको दो कीज़ मिलेंगी। इसके ऊपर आपको दो कंट्रोल्स मिलेंगे लॉक और अनलॉक के लिए। तो आइए चलते हैं ड्राइवर सीट पे। बात करें ड्राइवर साइड डोर ट्रिम की, तो यहाँ पे आपको सभी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऑल फोर पावर विंडोज़ आपको मिलेगी, और जो ड्राइवर साइड रहेगी वो ऑटो डाउन आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको कंट्रोल मिल जाता है लॉक और अनलॉक के लिए। यहाँ पे आपको ये कंट्रोल मिलेगा विंडोज़ लॉक करने के लिए। साइड मिरर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रहेंगे, आप यहाँ से उनको एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं। साथ ही जैसे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ये पियानो शेड में मिलेगा, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और इसी तरह आपको जैसे रियर में आपको बोतल होल्डर मिल रहा था, यहाँ पे भी आपको बोतल होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। आप देखते हैं सीट, जो सीट आपको मिलेगी हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है एस वेरिएंट में। और जो स्टेयरिंग भी आपको मिलेगा वो भी आपको टिल्ट एडजस्टेबल मिलेगा, आप इसको टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक का ऑप्शन आपको किसी भी वेरिएंट में अवेलेबल नहीं रहेगा। जो स्टेयरिंग आपको मिलेगा यहाँ पे आपको ये पियानो शेड में मिलेगा, जो ग्लॉसी ब्लैक आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको ये स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, आप यहाँ से सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, कॉल कनेक्ट और डिसकनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं सामने बात करूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपको दो डायल्स मिलेंगे, एक आपको आरपीएम मीटर मिलेगा और एक स्पीडोमीटर मिलेगा। आगे की तरफ आपको डीआईएस मिलेगा, जिसका साइज़ जो है वो काफ़ी स्मॉल मिलेगा। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिलेंगे, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, गाड़ी के अंदर कितना फ्यूल है, क्या माइलेज दे रही है, कितने किलोमीटर्स आप इसके अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, क्या टाइम है, और सभी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे शो करेगा। तो ये था इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अगर मैं बात करूँ सेंट्रल कंसोल की, जो सेंट्रल कंसोल रहेगा आपको टॉप पे आपको म्यूज़िक सिस्टम मिलेगा, जो पियानो ब्लैक शेड में आपको मिलेगा। इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑक्स, यूएसबी, ये सभी फीचर्स आपको मिलेंगे। ऑक्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे आपको पार्किंग लाइट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूँ, ये आपको पैनल मिल जाता है मैनुअल एसी का, जो नॉब्स के थ्रू आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये आपको फ्लो एडजस्टर मिलेगा, अगर आप अंदर की हवा अंदर रोटेट करना चाहते हैं या बाहर से हवा इनटेक करना चाहते हैं, तो उसका कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है यूएसबी के लिए, और यहाँ पे 12 वॉट का आपको चार्जिंग सॉकेट अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स के लिए स्पेस मिल जाता है। अगर बात करें गियर नॉब की, जो गियर नॉब मिलेगी वो काफ़ी स्मॉल साइज़ में आपको मिलेगी, और ये 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन आपको अवेलेबल रहेगा। और एक आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कप होल्डर के लिए, आर्मरेस्ट का ऑप्शन आपको इस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं रहेगा। जो IRVM मिलेगा वो आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिलेगा, आप इसको मैनुअली डे नाइट एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर बात करें डैशबोर्ड की, जो डैशबोर्ड आपको मिलेगा ये आपको प्लास्टिक मटेरियल मिलेगा, यहाँ पे आपको ये पियानो शेड में फिनिश मिल जाती है। अगर बात करें ग्लो बॉक्स की, जो ग्लो बॉक्स का स्पेस है वो भी आपको नॉर्मल मिलेगा, और जो ये ग्लो बॉक्स रहेगा ये नॉर्मल रहेगा, कूल ग्लो बॉक्स इसके अंदर नहीं रहेगा। तो ये था इंटीरियर होंडा अमेज का। अब बात करते हैं गाड़ी की सेफ्टी फीचर्स की और इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो आइए चलते हैं। बात करें गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की, ड्राइवर साइड एयरबैग, पैसेंजर साइड एयरबैग, ABS विद ABD, ये आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे अमेज के सभी वेरियंट्स में। साथ ही अगर बात करें इंजन स्पेसिफिकेशन की, जो अमेज है पेट्रोल डीजल दोनों इंजन ऑप्शन में आपको अवेलेबल रहेगी।
जो पेट्रोल इंजन आपको मिलेगा 1.2 लीटर मिलेगा, जो पावर जनरेट करता है 90 पीएस की, साथ ही जो कंपनी माइलेज क्लेम करती है 19.5 केएमपीएल की माइलेज क्लेम करती है। साथ ही अगर बात करें डीजल इंजन की, जो डीजल इंजन अवेलेबल रहेगा 1.5 लीटर डीजल इंजन आपको मिलेगा, जो पावर जनरेट करता है 100 पीएस की और जो कंपनी माइलेज क्लेम करती है 27.4 केएमपीएल की माइलेज क्लेम करती है। साथ ही अगर बात करें गाड़ी के वारंटी की, जो वारंटी आपको मिलेगी वो मिलेगी 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर, आप इसको फर्दर एक्सटेंड करा सकते हैं 4th और 5th ईयर्स के लिए। साथ ही अगर मैं बात करूँ गाड़ी के सर्विस शेड्यूल की, जो सर्विस शेड्यूल रहेगा वो हर 10,000 किलोमीटर या फिर साल में एक बार जो भी पहले हो जाए। वहीं अगर बात करें गाड़ी की प्राइजेस की, जो आपको एस वेरियंट है वो अवेलेबल रहेगा मैनुअल और सीवीटी दोनों ट्रांसमिशंस में, और जो सीवीटी है वो पेट्रोल और डीजल दोनों फ्यूल ऑप्शंस में आपका अवेलेबल रहेगा। अगर मैं बात करूँ मैनुअल पेट्रोल के अंदर, जो उसका प्राइस रहेगा 6.68 लाख, ये दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस रहेगा। अगर आप सेम कंसीडर करते हैं सीवीटी में पेट्रोल के अंदर, तो उसका प्राइस रहेगा 7.57 लाख। साथ ही अगर आप कंसीडर करते हैं डीजल के अंदर मैनुअल वेरियंट, तो उसका प्राइस रहेगा 7.77 लाख। और अगर आप डीजल के अंदर सीवीटी को कंसीडर करते हैं तो आपको उसके लिए पे करने पड़ेंगे 8,57,000। ये जो प्राइजेस थे सभी, ये दिल्ली एक्स शोरूम प्राइजेस थे जो हमने आपको बताए, और ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो होंडा अमेज के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम रिव्यू करें किसी दूसरी गाड़ी का तो हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।